हरिपुरधार सहित उपमंडल संग्रह के ऊपरी हिस्सों में फिर शुरू हुई बर्फबारी। लोक निर्माण विभाग द्वारा 14 जेसीबी मशीनों की मदद से कल ही पूरा किया गया है क्षेत्र की बर्फ से प्रभावित सड़कों पर यातायात बहाल करने का काम। स्थानीयों के लिए मौज मस्ती का साधन तो स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन रही है गत माह से क्षेत्र में बार बार हो रही बर्फबारी। नागरिक उपमंडल संग्रह के अंतर्गत आने वाले हरिपुरधार का तदहार व अन्य ऊपरी हिस्सों में बुधवार सायं एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे पहले गत 8 व 22 जनवरी तथा 3 फरवरी को क्षेत्र में भारी हिमपात हो चुका है और बर्फबारी से बंद हुई सड़कों पर यातायात बहाल करने में लोक निर्माण विभाग को 5 से 10 दिन तक का समय लग रहा है। इससे पहले गत माह से 3 बार हो चुके भारी हिमपात के चलते संग्रह चौपाल, संग्रह का तदहार शिलाई, हरिपुरधार नौराधार राजगढ़ तथा नौराधार संग्रह आदि सड़कें बंद हो चुकी है। विभाग द्वारा मंगलवार को ही क्षेत्र की बर्फ से प्रभावित सड़कों से बर्फ हटाकर यातायात बहाल करने का कार्य पूरा किया गया था और बुधवार सायं एक बार फिर क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हुई। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी डिवीजन संग्रह में एक भी स्नो कटर न होने के चलते विभाग द्वारा जेसीबी मशीनों की मदद से बर्फ हटाई जाती है और गत सप्ताह हुए हिमपात के बाद विभाग द्वारा लगाई गई 14 जेसीबी मशीनों पर हर रोज करीब 1.25 लाख का खर्च हो रहा था। जेसीबी मशीनों से बर्फ हटाने में न केवल ज्यादा समय लगने के साथ साथ काफी खर्चा भी होता है बल्कि पक्की सड़क उखड़ने का अंदेशा भी रहता है। क्षेत्र में गत माह से जारी भारी बर्फबारी के सिलसिले के चलते पड़ोसी राज्यों से यहां बर्फ देखने आने वाले सैलानी हालांकि काफी खुश है मगर पर्यटकों के लिए मस्ती का साधन बनने वाली बर्फ स्थानीय लोगों के लिए हर बार मुसीबत लेकर आती है। बर्फ से प्रभावित पंचायतों में न केवल कई कई दिनों तक सड़कें बंद रहती है बल्कि विद्युत व पेयजल आपूर्ति भी हिमपात के चलते ठप होती है। NH व स्टेट हाईवे से वंचित इस इलाके को हालांकि सरकार द्वारा पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के संतोषजनक प्रयास नहीं किए गए हैं मगर इसके बावजूद पिछले 2 दशक से हर साल इलाके में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ व उत्तराखंड आदि से काफी संख्या में बर्फ देखने सैलानी पहुंच रहे हैं। यहां प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली व शिमला जैसी महंगाई न होने के चलते मध्यम वर्गीय अथवा कम आमदनी वाले परिवारों के लोग भी सस्ते में सैर सपाटा करते हैं और क्षेत्र की बर्फ से ढकी वादियां व घासनियां गत माह से पड़ोसी राज्यों के मैदानी क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए सस्ती सैरगाहें साबित हो रही है।